ये आरोपी आप देख सकते हैं, तीन आरोपी हैं, रंजीत, राहुल, विजेंदर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और तीनों ही अलग अलग मोटरसाइकिल चोरी करते थे। रंजीत के पास से दो मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, राहुल के पास से तीन मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, वहीं विजेंद्र के पास से भी तीन मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। रंजीत और विजेंद्र पहले भी चोरी लूट के मामले में जो है वो जेल में जा चुके हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से और फिलहाल इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीन आरोपी हैं जिनके पास से आठ मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। रंजीत, राहुल, विजेंदर, ये तीन आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप देख सकते हैं एंटी ऑटो थेफ्ट की जो शाखा है उसे एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ऐसे में आप देख सकते हैं इन तीन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, रंजीत, राहुल, साथ ही साथ विजेंदर। और ये वो टीम है जिसने इन चोरों को गिरफ्तार किया है। रंजीत और विजेंदर पहले भी लूट और चोरी की वारदातों में जेल में जा चुके हैं। अलग अलग जगह के ये तीनों आरोपी रहने वाले हैं और अलग अलग जगहों से ये बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अकेले अकेले ये चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और फिलहाल आप देख सकते हैं रंजीत, राहुल और विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कुल आठ मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। एक रंजीत के पास से दो मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, राहुल के पास से तीन मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं और विजेंद्र के पास से भी तीन मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। हमारे एसपी साहब करनाल के द्वारा एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था जिसके अंदर व्हीकल थेफ्ट्स को ट्रेस करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने थे, जिसमें एंटी व्हीकल थेफ्ट के इंचार्ज एसआई रोहताश की टीम द्वारा काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया गया, जिन्होंने कल दिनांक 6/5 को विजेंद्र वर्मा जो कि कैथल रोड करनाल के रहने वाले हैं जिनकी उम्र 41 साल है, रंजीत महतो जो बेसिकली बिहार के हैं अभी करनाल में रहते हैं 18 साल उम्र है, राहुल जो कि कुंजपुरा रोड करनाल 22 साल जिनकी उम्र है, उनको कल गिरफ्तार अलग अलग मुकदमों में किया है, जिनसे विजेंद्र से तीन मुकदमे, रंजीत महतो से दो मुकदमे और राहुल से तीन मुकदमे सिटी सिविल लाइन और सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन के ट्रेस हुए हैं। कल इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके घर के ऊपर से सभी व्हीकल्स को जो चोरीशुदा व्हीकल थे उनको ट्रेस किया गया है और इनको आज जुडिशियल कस्टडी के लिए अपीयर किया। हिस्ट्री शीटर कितने हैं सर इसमें? इसके अंदर विजेंद्र वर्मा जो है वो पहले भी चोरी के 4-5 मुकदमों के अंदर जेल काट चुका है, रंजीत महतो के ऊपर स्नैचिंग एवं चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं, राहुल फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ है। क्या रीजन क्या रहा सर इनका, कहां से अरेस्ट हुए? ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो व्हीकल थेफ्ट के अंदर पहले से इन्वॉल्व हैं। कहां से अरेस्ट हुए सर तीनों को, अलग अलग जगह से? तीनों को अलग अलग, विजेंद्र को अरेस्ट किया गया है कुंजपुरा रोड से, रंजीत को अरेस्ट किया गया था WJC केनाल रोड से और राहुल को भी कुंजपुरा रोड से अरेस्ट किया गया। तो क्यों करते थे चोरी, है किसी हैबिचुअल ऑफेंडर्स, नशे की आपूर्ति करते हैं, ऐसी कोई नशे वाली बात नहीं बट हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। हैबिचुअल लोगों से कुछ अपील करना चाहिए सर, ज्यादातर जो बाइक से स्प्लेंडर है और लोग अभी भी जो टायर पे लॉक नहीं लगाते तो कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? एक अपील सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज के दिन टू व्हीलर्स के अंदर GPS ट्रैकर्स इनबिल्ट आते हैं, उनको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप उनको अपने सेलफोन से यूज़ करते हुए अगर आपको लगता है कि पार्क बाइक स्टार्ट हो गई और चल रही है तो आप उसको इग्निशन ऑफ कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट अपना व्हीकल थेफ्ट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है गया है जिसमें रंजीत है, राहुल है और विजेंद्र है और तीनों के पास से कुल आठ मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। तीनों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। रंजीत और विजेंद्र पर पहले भी चोरी लूट स्नैचिंग के कई मुकदमे दर्ज हैं। तीनों अलग अलग जगहों पर रहते थे, अलग अलग जगहों से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, सेक्टर 32-33 थाने के इलाके से भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया, सिविल लाइन थाने के इलाके से भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया, सिटी थाने के इलाके से भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया और फिलहाल
कुल 8 जो बाइक्स हैं वो बरामद की गई हैं। 8 बाइक्स में 2 बाइक रंजीत के पास से बरामद हुई हैं, 3 बाइक राहुल के पास से बरामद हुई हैं, साथ ही साथ 3 बाइक जो हैं वो बिजेंद्र के पास से गिरफ्तार हुई हैं और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी है हाथ लगी है। आप लोगों से अपील है कि आप जहां पर भी जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, अपनी बाइक का लॉक अच्छे तरीके से लगाएं ताकि आपकी बाइक चोरी ना हो और आपकी जो मेहनत की कमाई है वो चोर साफ करके फरार ना हो जाए। ये तस्वीरें करनाल से हम आपको दिखा रहे हैं, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।